दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से बहुत सारे लोग जो कि डीएलएड सत्र 2019-21 के और बीएड सत्र 2020-22 के छात्र हैं, वो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें ये बताइए कि क्या सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में हम लोग शामिल हो पाएंगे। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन को लेते हैं और फैक्ट्स के आधार पर इस बात का आंसर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये जो स्टूडेंट्स हैं सेशन डीएलएड 19-21 के और बीएड 20-22 के, ये सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। एक एक करके हम लोग डीएड का भी केस देखेंगे और बीएड का भी केस देखेंगे और इस वीडियो के अंत तक आप इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे कि आप सातवें चरण में अप्लाई करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। और आपको पूर्णतः ये बता दें कि अभी भले ही आपको ये बात हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये बात अतिरेक लगे, अतिरेक कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आप लोगों को बढ़ा चढ़ा के कहा गया लगे, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते जाएंगे मेरा ये वीडियो यहीं पर यूट्यूब पे ही रहेगा और आपको ये मेरी बात सच होती हुई दिखाई देगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके लेके चलते हैं। पहला मामला जो है वो है डीएलएड सेशन 19-21 का। डीएलएड सेशन 19-21 का मामला ये है कि इन लोगों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, सेकेंड ईयर का एग्जाम भी हो चुका है और इनके सेकेंड ईयर के अभी रिजल्ट नहीं आया है। अब इन लोग के साथ समस्या है कि ये लोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि हम लोग अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, इनके मन में घबराहट चल रही है। तो आप लोग को बता दें कि आप लोग का भले अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आप लोग की अभी फिलहाल कॉपी जांच हो रही है। ये कॉपी जांच हो रही है और जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस समय ये खबर है कि कॉपी जो शिक्षक जांच कर रहे हैं आप लोग की, उन्होंने अपना जो उन लोगों को कॉपी जांच करने के एवज में कुछ पैसा मिलता है, इस पैसे को बढ़ाने के लिए एक तरह का उन्होंने हड़ताल किया है। तो आप इससे परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं 101% एश्योर कर रहा हूं कि डीएलएड कम से कम डीएलएड सत्र 19-21 का फाइनल रिजल्ट आने के बिना तो सातवां चरण स्टार्ट ही नहीं होगा। ये बात आप लिखित में रख लीजिए यहाँ पर, इस बात को कोई यूट्यूब वाले नहीं बताएंगे, लेकिन आपको एकदम आश्वस्त कर रहे हैं कि डीएलएड सत्र जब तक 19-21 का फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है तब तक सातवां चरण स्टार्ट नहीं होने जा रहा। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि आखिरकार हम ये किस आधार पर कह रहे हैं। दो आधार लिया है हमने। पहला आधार जो लिया है वो है स्वयं आपके शिक्षा सचिव का लेटर, जो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था और इस लेटर को लेकर आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिरकार हम लोग अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जब खुद शिक्षा सचिव ने आपके प्रति चिंता ये दिखाई है कि आप लोग का रिजल्ट जारी होना चाहिए ताकि आप सातवें चरण में अप्लाई कर पाइए, तो आपकी आधी चिंता तो वहीं पे दूर हो जानी चाहिए और आपकी रही सही जो 50% चिंता है उसको हम इस बात से भी दूर करते हैं कि उदाहरण याद कीजिए कि जब स्टेट का एग्जाम होने वाला था बिहार में, इस समय बिहार के एक दो यूनिवर्सिटी का बीएड फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ था। इसका क्या नतीजा हुआ कि भले ही नोटिफिकेशन जारी हो गया लेकिन फॉर्म भरने का जो डेट था ये डेट आगे बढ़ा दिया गया। तो जब एक स्टेट का फॉर्म भरने का डेट आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि उनका बीएड का रिजल्ट नहीं आया था, ये सारी जानकारी गूगल पर उपलब्ध है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो फिर आपके मामले में तो खैर इतना कोई माथापच्ची वाली बात ही नहीं है। वैसे भी अभी फरवरी का महीना चल रहा है और मेरा पूरा विश्वास है कि फरवरी के लास्ट तक या फिर मार्च 15 तक आप लोग का रिजल्ट सेकेंड ईयर का आ जाना चाहिए। तो आपके रिजल्ट के बाद ही सातवां चरण स्टार्ट होगा। ये तो डीएलएड का मामला था। अब बात है कि बीएड 20-22, यहां पर मैटर फंसता है। इन लोगों के साथ क्या समस्या है कि बीएड 20-22 में भी दो तरह के छात्र हैं। एक छात्र वो है जिनके यहाँ सेमेस्टर का सिस्टम लागू होता है। सेमेस्टर का सिस्टम बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, अपने बिहार में तो जरा कम है, लेकिन बिहार के छात्र जो बिहार से बाहर किसी स्टेट से कर रहे हैं वहां पे अगर सेमेस्टर का सिस्टम लागू है तो उनका यहाँ पर सेमेस्टर का आने का मतलब कि वैसे तो बीएड 2 साल का है कोर्स, तो 2 साल में 4 सेमेस्टर है, तो इनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर क्लियर हो गया हुआ है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है और फोर्थ सेमेस्टर में या तो ये पढ़ रहे हैं या इसका एग्जाम होने वाला है। और ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। आप लोग के लिए अगर हम कहें तो यहाँ पर मेरा जो इनर सेंस है और कुछ अन्य जो मामले फंस रहे हैं, खास करके बीटेट के मामले में, बिहार टीईटी का जो मामला है, इस मामले को अगर हम लोग देख लें और ये आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का मामला है इसको बिहार टेट के आयोजन से जोड़ के देख लें, तो
आपको ये कहा जा सकता है कि हाँ, इस बात की 90% संभावना रहेगी कि आप लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। अब आप पूछेंगे कि हम बिहार टेट को इससे कैसे जोड़ दिए। जो लोग सातवें चरण का नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए एकदम व्याकुल हैं और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे अगर सरकार सातवें चरण का नोटिफिकेशन आज भी जारी कर दे तो इससे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर बस छात्रों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है ताकि इस एग्जाम्पल से वे खुद को जोड़ के देख सके और उनके मन में जो बेचैनी है इस बेचैनी को थोड़ा शांत कर सके। आपके ही भाई हैं वो, तो उनके लिए बस एग्जाम्पल लिया जा रहा है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि सरकार आज नोटिफिकेशन जारी करे या फिर 6 महीने के बाद करे। ये तो आप अभ्यर्थी सरकार पे जैसा दबाव बना पाएंगे उस हिसाब से सरकार काम करेगी। और बाकी तो आपको पता ही, ये बिहार है तो चुनाव के अनुसार ही सरकार काम करती है यहाँ पर। तो हमने यहाँ क्या किया कि फोर्थ सेमेस्टर को बिहार टीईटी के साथ जोड़ा है। ऐसा क्यों जोड़ा है, ध्यान दीजिए। पटना हाईकोर्ट ने जब यही स्टेट का एग्जाम हुआ था तो इसमें क्या हुआ कि उम्र का मामला फंस गया कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका एज एक्सपायर हो चुका था और वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए उन्होंने पटना हाईकोर्ट में केस कर दिया। और जानते हैं पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा? पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि ये जो अभ्यर्थी है जिनकी उम्र सीमा खत्म हो चुकी है, इनके उम्र में छूट दी जाए ताकि ये लोग भी अप्लाई कर पाए। और आधार क्या बनाया था पटना हाई कोर्ट ने कि स्टेट के परीक्षा का आयोजन 8 वर्षों के बाद हो रहा है, मतलब कि इन 8 सालों में इस एग्जाम का आयोजन किया ही नहीं गया है। तो अगर इसी फैसले को अगर इससे जोड़कर देखें बिहार टेट का, तो बिहार टेट का लास्ट बार जो आयोजन हुआ था बिहार में वो 2017 में हुआ था, यानी कि लगभग ये 5वां साल होने जा रहा है जब इस एग्जाम का आयोजन नहीं हुआ है बिहार में। तो आप कह सकते हैं कोई अभ्यर्थी, अगर एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि अगर पटना हाईकोर्ट में इसी मामले को लेकर, इसी फैसले को लेकर केस डाल दिया कि बिहार टेट का आयोजन होना चाहिए क्योंकि पिछले 5 साल से यह आयोजन नहीं हुआ है, तब क्या होगा? 2-4 महीने केस अगर खींच गया तब क्या होगा? मेरी दुआ है कि इस तरह की कोई बात नहीं हो। आप जो भी फैसला हो, आप सारे अभ्यर्थियों के हक में हो, आप सारे लोगों का नियोजन हो जाए, चाहे आप किसी भी वर्ग समुदाय सेशन से क्यों ना आते हो। इसलिए प्लीज कमेंट करने से पहले बस इतना ध्यान रखिएगा कि उस वीडियो की इस तरफ जब हम टीचर के रूप में समझाते हैं तो सारी संभावनाओं को साथ में लेकर चलना पड़ता है। मेरी आप अभ्यर्थियों से क्या दुश्मनी हो सकती है? आपका हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने बस यहां बताया है कि अगर केस कर दिया और ये केस 2-4 महीने भी खींच गया तो क्या होगा। 2-4 महीने खींच गया कहने का मतलब ये फोर्थ सेमेस्टर वालों को ये मौका मिल जाएगा कि इनका तब तक एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ये वैसे भी सातवें चरण में अप्लाई कर पाएंगे। और एक पहले भी हमने अपने वीडियो में चर्चा किया था कि सरकार अगर धूर्तता करना चाहे, इस बहाली को फंसाना चाहे, सातवें चरण को खींचना चाहे, कुछ नहीं करेगी वो, सिर्फ बिहार टेट की घोषणा कर देगी कि हम इस एग्जाम का आयोजन करवाने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों में पहले से ही दोफार है। 50% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सातवें चरण की मांग तुरंत कर रहे हैं कि आज के आज अभी का भी सातवें फेज का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। हम उनके भी पक्ष में हैं, उनकी भी मांग बिल्कुल जायज है क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से प्रतीक्षा की है। और 50% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिहार टेट की मांग कर रहे हैं क्योंकि ये वैसे अभ्यर्थी हैं जो कि हो सकता है सेशन 2019-21 के हों, 20-22 के हों, या फिर इससे पहले के भी सेशन के हों, या फिर सीटेट क्लियर नहीं कर पाए हों, तो इसकी मांग कर रहे हैं। तो चाहे आप इनमें से इन दोनों में से किसी भी कोर्स के छात्र हों, इस मामले में तो आपको 101% हमने एश्योर कर दिया है। इस मामले में 90% एश्योर होकर चल रहा है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, चिंता से आपका वैसे भी कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। तो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ऊपर वाले से बस दुआ कीजिए कि आप लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए, एग्जाम जल्द से जल्द हो और आप सभी लोगों का नियोजन हो जाए। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।